नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज चक्र में। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को अपने व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए कम से कम 5 कॉन्टैक्ट्स के साथ, अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप और हम सब मिलकर गोदी मीडिया के नफरती प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। और आज मैं आपके सामने न्यूज चक्र पर चर्चा करने आया हूं देश की बदतर होती अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आपके साथ है, नौकरियों के साथ है, हमारी रोजमर्रा जीवन के साथ है। और जो बड़ी खबर सामने उभर कर आई है वो कि देश की जीडीपी में 23% की गिरावट आई है, और ये कहा जा सकता है कि इस वक्त हमारी जीडीपी जो है -23% है। अब ये जीडीपी क्या है, पहले मैं आपको बताता हूं। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही आधार पर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर ही होनी चाहिए, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है ये पता करता है हमारा जीडीपी, वो है सकल घरेलू उत्पाद। और आज की तारीख में जो आपसे ये कह रहा है ना कि हमारी जीडीपी इसलिए गिरी क्योंकि देश में कोरोना संकट था या देश कोरोना संकट का सामना कर रहा था, तो उससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई बाकी देशों को भी दे देखो, उनकी भी जीडीपी गिर रही है, तो भारत की तरफ उंगली क्यों उठाई जा रही है, तो उससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो नुकसान भारत उठाने वाला है वैसा नुकसान कोई और नहीं उठाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ होंगे ये शख्स, कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ, और उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देश कितना गंभीर संकट सामना कर रहा है। आपके सामने जीडीपी का अलग अलग क्षेत्रों में, गिरती जीडीपी का अलग अलग क्षेत्रों में क्या असर पड़ा है वो मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि पिछले साल अप्रैल जून में कृषि, फॉरेस्ट्री और मछली पालन, इन तीनों क्षेत्रों की क्या हालत थी, 3.0% थी, और अब उसमें 0.4 की जो है उछाल आया है। यानी कि यह एकमात्र क्षेत्र है जो पिछले एक साल में सुधरा है। कृषि क्षेत्र सुधरा है, मछली पालन क्षेत्र सुधरा है, और फॉरेस्ट्री का क्षेत्र सुधरा है। अब बाकियों की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन, इसमें -39.3 की गिरावट आई है, 39.3% गिरावट आई है। कंस्ट्रक्शन, यहां पर गिरावट आई है 50% की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा व्यापार, होटेल्स, परिवहन, कम्युनिकेशन सर्विसेज और जो तमाम सेवाएं हैं ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी हुई, उसमें 47% की गिरावट आई है। उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अन्य सेवाएं, यानी कि स्कूल्स से जुड़ी चीजें, डिफेंस से जुड़ी चीजें, इसमें 10% की गिरावट आई है। और अगर आप कुल जीडीपी की बात देखें तो इसमें करीब 24% की, -23.9% की गिरावट आई है। यानी कि हर क्षेत्र में, मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि दरअसल समस्या कितनी गंभीर है। और हमसे क्या बतलाया गया था वो मैं अब आपको बताता हूं। जब हमारी इकॉनमी गिरती है तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है वो एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान का काम है। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बीजेपी ने हमसे क्या वादा किया था। ये कुछ दिनों पहले का उनका यह बयान देखिए। While the world continues to grapple with economic bloodbath, with major economies projected to register negative growth in the aftermath of COVID pandemic, India will be a shining spot with positive growth in 2020. BJP ne vaada kiya tha ki jab GDP aayegi to Bharat ki sthiti behtar hogi. Aur unhone kya aklan kiya tha, ye aapke screens par. Bharat ki sthiti sabse upar batayi thi Bharatiya Janata Party ne, kya kaha tha? इंडिया 1.9, चाइना 1.2, यूनाइटेड स्टेट -5.9। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरी तरह से धराशायी हुआ है। अब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे क्या कहा था कि तमाम जो समर्थक हैं इस सरकार के,
वो ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे देशों में भी तो देखो, वहां पे भी तो गिरावट आ रही है। अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखाना चाहता हूं जिससे पता चलता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इकॉनमी को लेकर भारत की सबसे बदतर हालत है। वो ग्राफिक आपके स्क्रीन पर ये देखिए, जापान में -7.6% की गिरावट आई है जीडीपी में, यूएस में, अमेरिका में -9.5 जीडीपी है, जर्मनी में -10.1 जीडीपी है, कनाडा में -12 जीडीपी है, इटली में -12.4, फ्रांस में -13.8, यूके यानी कि ब्रिटेन में -20.4 और भारत में इस वक्त जीडीपी है -23.9। भारत की सबसे बदतर हालत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बाकी देशों को भी तो देखो, भारत में डर की जरूरत नहीं है। तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं, अगर आज की तारीख में अंबानी, अडानी, अगर उनके कंपनी में -25% की गिरावट आती है, 25% गिरावट आती है, तो उन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे विकसित देशों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, मगर जब एक गरीब देश पर इसका असर पड़ता है, जब एक गरीब की जेब पर 25% की गिरावट आती है, तब आप भी जानते हैं उसकी क्या हालत होती है। उसके लिए एक एक पाई मायने रखता है। इसलिए भारत, जहां गरीबों की इतनी बड़ी तादाद है, वहां पर अगर 24% की गिरावट आई है जीडीपी में, तो वह अपने आप में बहुत चिंताजनक खबर है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सब कोरोना की वजह से हुआ है। अब मैं आपको एक और ग्राफिक दिखाता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। पिछले 2 सालों से लगातार हमारी जीडीपी में गिरावट आ रही थी। ये देखिए, 31 अगस्त 2018 8.2%, ये बाद में गिर के 7.1% होता है, फिर 6.6, उसके बाद 5.8%, फिर 5%, फिर हल्की सी उछाल आती है 5.1%, 28 फरवरी 2020 में 4.1%, और फिर ये 3.1% हो जाता है, और अब 31 अगस्त 2020 को ये आंकड़ा -24%, यानी कि हमारी जीडीपी अब नीचे आ गई है। तो आप में से इस सरकार के जो समर्थक आपसे यह कह रहे हैं कि यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि कोरोना है, तो मैं आपको बता दूं, पिछले 2 सालों से लगातार हो रहा था। इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। वो आपको सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती पर झूठी और जहरीली खबरों के जरिए आपको ऑक्यूपाई रखना चाहता है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स में आपको भ्रमित करके रखना चाहता है, जो असली मुद्दे हैं उससे आपका ध्यान भटकाना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को आज से कई महीनों पहले उठाया था, जब देश में लॉकडाउन होने वाला था। उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था, आप सुनिए। मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, कोविड से पहले मैं कह रहा था, और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस मतलब वही यहाँ पे वही अपने उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे बताया था, मेरे साथ होंगे कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ। आइए उस इंटरव्यू का रुख करते हैं। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ, आप काहे का जीडीपी इकोनॉमी का रोना रो रहे हैं? देश की जनता को गोदी मीडिया ने तो सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती जैसे अहम मुद्दों में उलझा कर रखा हुआ है, और अगर उस मुद्दे में भी उलझाए रखता तो बात समझ आती, मगर उसमें भी पूरा जहरीला प्रोपेगेंडा और कई चैनल्स में तो झूठा प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। देश की जनता को कहां जीडीपी से लेना देना है, कहां उन्हें अर्थव्यवस्था से लेना है? गौरव भाई, अविशाल जी, देश का युवा कह रहा है ये दिल मांगे मोर, और वो मोर पिकॉक नहीं, पिकॉक तो हमने देख लिए, और वो कह रहा है हमको इकोनॉमी और जॉब्स में मोर चाहिए, जीडीपी में मोर चाहिए, एमओआरई मोर कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल मोर एक दूसरा भी चल रहा है, कई लोग मोर के साथ घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है युवाओं को, देश के लोगों को, सैलरीड क्लास लोगों को, देश के ऐसे व्यक्ति को जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जिसको देश से प्यार है, उसको जीडीपी से जरूर सरोकार है, क्योंकि मोर और कुत्तों की बातों से देश नहीं चलता है।
मोर और कुत्तों की बातों से नहीं, जीडीपी से देश चलता है। कोल्हापुरी हवाई चप्पल से देश नहीं चलता है कि कोल्हापुरी हवाई चप्पल होटलों में रख दो, ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। व्यापार होता है स्टील बनाने से, सीमेंट बनाने से, रोडे बनाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को किस तरह उनकी मांगों को पूरा करने से। मोर के साथ मीटिंग करने की बजाय अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के चैंपियंस के साथ मीटिंग की जाए तो जो सर्विस सेक्टर में डिप आया उसको रोका जा सकता है। कुत्तों की बात करने की बजाय अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की समस्याओं पे बात की जाए तो उनके निदान हो सकते हैं। मैं अहम मुद्दे पर आना चाहूंगा, वो है हमारी इकोनॉमी, क्योंकि ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि इकोनॉमी की इतनी बदतर हालत अब देश में दिखाई दे रही है। और जब मैं उस पूरे आंकड़े को देखता हूं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को छोड़ के जिसमें 0.4% की बढ़ोतरी आई है, बाकी तमाम सेक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैन्युफैक्चर हो, सब में जबरदस्त गिरावट आई है। मगर मुझे चिंताजनक क्या लग रहा है, मैं आपको बता दूं, भारत की रीढ़ उसका असंगठित क्षेत्र रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और वो हमारी रीढ़ की तरह काम करता रहा, वो शॉकर की तरह काम करता रहा। और ये कहने में गलत नहीं होगा कि 2008 में जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन पूरे दुनिया में आया था तो भारत उस झटके को इसलिए झेल पाया था क्योंकि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र जो है उसकी रीढ़ मजबूत थी। क्या आपको लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कमजोर हुआ है और उसे वापस पटरी पे लाने के लिए क्या करना होगा, संक्षिप्त में अगर आप मुझे बता सकें। अभिषेक जी, आपके सवाल का उत्तर मैं एज ए इकोनॉमिस्ट दे रहा हूं और हर बात का तर्क दूंगा, अगर उसमें एक भी बात इकोनॉमिकली रॉन्ग है तो आपके दर्शक मुझे जरूर टोके और आपको भी लिख के दे। कल जो जीडीपी का आंकड़ा आया क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, अभिषार जी आपको जान के आश्चर्य होगा, देश में कोई इस बात को नहीं कर रहा है कि इस आंकड़े में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया गया है। अर्थात मैं आपको बता रहा हूँ, एमएसएमई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है उसका इम्पैक्ट इस आंकड़े में नहीं है। एमएसएमई जिसका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन 30-35% के मध्य रहता है उसका इम्पैक्ट इसमें नहीं है। ये इम्पैक्ट कब आएगा अभिषार जी, कि क्वार्टर टू के जब रिजल्ट आएंगे तो क्वार्टर वन के रिजल्ट को रिवाइज किया जाता है, ये परंपरा अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बाकी। और मेरा ऐसा मानना है और देश के सारे बड़े अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि अगर क्वार्टर टू के जब रिजल्ट आएंगे तो एक क्वार्टर वन का रिजल्ट -30 से -35 के बीच प्रतिशत के बीच रहेगा। अर्थात -23.9 पे हम नहीं रुके हैं, ये -30 से -35% के बीच है क्योंकि इसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी और एमएसएमई को अभी तक नहीं जोड़ा गया। दूसरी बात अभिषार जी, हर चीज को एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ नेहरू, एक्ट ऑफ इंदिरा, एक्ट ऑफ राजीव, एक्ट ऑफ नरसिम्हा राव, एक्ट ऑफ मनमोहन सिंह कह के, एक्ट ऑफ वाजपेयी कह के आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों 2016 के बाद प्रति साल दर साल हमारी जीडीपी गिरी है, क्यों गिरी है आपको बताना पड़ेगा। 2016-17 में जीडीपी 8% थी, जो 19-20 में, क्योंकि 19-20 में 31 मार्च तक कोरोना का प्रभाव नहीं आया था, 19-20 में घटके 4.2, मतलब आधी क्यों रही। इसके दो कारण है, पहला आप जब नोटबंदी करते हो तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कम से कम 10 साल के लिए मार देते हो, वो 10 साल तक उठ ही नहीं सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया का हर अर्थशास्त्री बोलता है। और जब आप गलत तरीके से जीएसटी लागू कर देते हो, बिना प्लानिंग के जीएसटी लागू कर देते हो, तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर देते हो। उसका खामियाजा हमारी जीडीपी जो 16-17 में 8% से ज्यादा थी, जो 19-20 में 4.2% रह गई, आधी रह गई। तो ये कौन सा एक्ट है मुझे ये बताओ। फिर जिस तरह से आपने लॉकडाउन लागू किया, अभिषार जी कोई ऐसा देश बताओ दुनिया में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया हो अचानक से 4 घंटे के नोटिस पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दी हो, 4 घंटे के नोटिस पे माइनिंग एक्टिविटी बंद कर दी हो, 4 घंटे के नोटिस पे रेले चलाना बंद कर दिया। कोई ऐसा देश है जो इस तरह से
डिसीजंस लेता है, चार घंटे के नोटिस पे आप, ये कोई गाड़ी का इग्निशन ऑन ऑफ नहीं है कि आप जब चाहो ऑन कर दो, जब चाहो ऑफ कर दो। आपने ऑन करने में समय लगे भाई, जो लोग एक्ट ऑफ गॉड जैसी चीजों में विश्वास करते हैं उन्हें ये भी लगता है कि हम चार घंटे में ऑन ऑफ करके चीजों को सुधार भी देंगे और बिगड़ भी जाएगी। मगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आपने जो तमाम बातें बताई, मैं जानता हूं कि पिछले दो साल से जीडीपी में लगातार गिरावट आई थी, कोरोना ने हालात जैसे करेला और नीम चढ़ा वाला हिसाब किताब हो जाता है ना, कोरोना ने वो हालत कर दी हमारी इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की। मगर अब हमें आगे बढ़ना होगा। राहुल गांधी भी उठा चुके हैं इस मुद्दे को कि भाई 2008 में हम इसलिए बचे रहे क्योंकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र था इकोनॉमी का वो पटरी पर चल रहा था, मगर अब उसे पटरी पर आगे लाने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि देखिए, मेरा एक फलसफा है गौरव भाई, मुझे लगता है इस देश में एक शैडो गवर्नमेंट की जरूरत है। आज आप विपक्ष में हैं तो मुझे लगता है एक शैडो गवर्नमेंट होनी चाहिए। शैडो गवर्नमेंट जो मेरे दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि भाई कांग्रेस के अंदर भी अपना एक वित्त मंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, एक शिक्षा मंत्री हो, और वो कहीं ना कहीं ट्रैक करे भारतीय जनता पार्टी के काम को, और जब अगर आप कभी सत्ता में आ जाएं तो उसी तरह की शैडो गवर्नमेंट जो है बीजेपी में हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आज की तारीख में आप शैडो फाइनेंस मिनिस्टर होते तो स्टार्टिंग विद द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपके क्या क्या जो है अपनी तरफ से सुझाव होते। देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है एमएसएमई का, मेन कंट्रीब्यूशन है उस सेक्टर का जिसको हम कैटर नहीं कर पाते। आपको उनमें एक पॉजिटिविटी का संचार करना पड़ेगा। क्या आज लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी एमएसएमई चालू हो गए जिनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 30-35% है? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं हुए? उनकी दो समस्याएं हैं। आपको उनकी मूल समस्याओं के बारे में उनको एड्रेस करना पड़ेगा। नाम बदलने से समस्याएं नहीं बदलती है, समस्याएं वैसी के वैसी रहती है। नंबर एक प्रॉब्लम, एमएसएमई को अभी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, लिक्विडिटी सपोर्ट की जरूरत है, उनको कर्ज की खुराक की जरूरत नहीं है। और कर्ज कौन दे रहा है? कोई बैंक उनको कर्ज नहीं दे रहा है, क्योंकि बैंकों की हालत तो उनसे भी ज्यादा खस्ता हाल है। तो आपके बैंक अभी कैपिटलाइज है नहीं, बैंक कर्ज देने से बच रहे हैं। आप उनको टारगेट दिए जा रहे हो, पर बैंकों को पता है कि अल्टीमेटली उनकी बैलेंस शीट और पीएनएल में इंपैक्ट आने वाला है। यानी कि पहला सुझाव गौरव, पहला सुझाव हमारे जो असंगठित क्षेत्र हैं उन्हें पैसे की मदद दी जाए, लिक्विडिटी सपोर्ट किया जाए, ये तो पहला हो गया। अब दूसरे की तरफ पढ़ते, दूसरा सपोर्ट जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है और जो इनफॉर्मल सेक्टर है, वो उसका जो लेबर है वो चले गया है गांवों में। गांवों से उनको वापस पॉजिटिव, उनके ऊपर माइंटल उनको पॉजिटिविटी का संचार करके वापस उनको कारखानों में लाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अब सरकार पे भरोसा नहीं रहा। क्योंकि वो कहते हैं कि यार कभी आपका मन होगा वापस दो घंटे का नोटिस देके हमको आप बोल दोगे लॉकडाउन हो गया तो हमको पैदल 1000 किलोमीटर जाना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ पूरा सामान कंधों पे लाद के 1400 किलोमीटर चलना पड़ेगा, साइकिल पे जाना पड़ेगा। वो कह रहे हम तो अब यही ठीक है, हमें नहीं जाना। मगर गौरव जो आप ये बता रहे हैं, ये डर आपको नहीं लग रहा बेमानी है? और वो इसलिए बेमानी है क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना केसेस को लेकर भारत जो है वो सबसे ऊपर दिख रहा है। नंबर ऑफ केसेस इन अ डे जिस तरह से आ रहे हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मगर इस ये वक्त भी है जब हम चीजों को खोल रहे हैं, थिंग्स आर ओपनिंग अप, मॉल्स खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। तो अब आपको नहीं लगता ये जो आप डर बता रहे हैं, या ये डर अगर है हमारे मजदूरों में, हमारे श्रमिकों में, तो वो बेमानी है? अब हम वो यूटर्न नहीं लेने वाले हैं, वो यूटर्न ये सरकार नहीं ले सकती है। तो क्या आपका, आपकी जो आशंका ये निराधार नहीं है? अभिसार जी, लॉकडाउन से मिला क्या? जीडीपी आपने 30-35% नीचे गिरा दी। कोरोना में पर डे के केसेस में हम दुनिया में नंबर वन हो गए। दुनिया के हर देश में कोरोना के पर डे केसेस नीचे जा रहे हैं सिवाय भारत के। आपको मिला क्या? आपको कुछ नहीं मिला। आपको सिर्फ एक ईगो के सेटिस्फेक्शन मिला कि आपने बोला 21 दिन की महाभारत की लड़ाई थी 18 दिन की, मैं 21 दिन में खत्म कर दूंगा। आपकी क्या प्लान है? आपने किससे सलाह ली थी? आपके डॉक्टर कौन थे जिनसे आपने सलाह ली थी? आपके साइंटिफिक एडवाइजर कौन थे जिनसे आपने सलाह ली थी? आपके कैबिनेट में डिसीजंस बताओ जिसके बूते पे आपने ये लॉकडाउन लगाया। आप अपने स्वयं के निर्णय
8 बजे निर्णय लेके 12 बजे थोपे नहीं जा सकते। अभिसार जी ये तो देश की बात है, मैं आपको बोलता हूँ परिवार में भी, आप मैं आपके सारे दर्शक एक परिवार में है, क्या परिवार का एक बंदा रात को 8 बजे निर्णय लेके परिवार के 5 सदस्यों पे 12 बजे थोप सकता है क्या? तो ये थे गौरव वल्लभ, और कांग्रेस हमलावर हो गई है इकोनॉमी को लेकर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है, क्या बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी ने आर्थिक सुनामी आने की बात बोली थी। कोरोना संकट के दौरान हाथी के दांत दिखाने जैसा एक पैकेज घोषित हुआ, लेकिन आज हालात देखिए, GDP -23.9% GDP। भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया है। प्रियंका गांधी का ये तल्ख बयान जिसमें वो देश की अर्थव्यवस्था पर आपका ध्यान खींच रही हैं। सवाल प्रियंका गांधी का नहीं, मैं आज सिर्फ यही आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपनी सरकार को इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर जवाबदेह बनाना होगा। देश में इस वक्त जो संवाद चल रहा है वो बहुत ही गलत दिशा ले चुका है। हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह का जहर प्राइम टाइम के जरिए उगला जा रहा है। आज की तारीख में मीडिया को तवज्जो देनी चाहिए इकोनॉमी पर। चीन जो लगातार हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है और इस वक्त युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है उस पर इकॉनमी, आप जानते हैं कि पिछले 4 महीनों में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, और अब आपके सामने GDP का आंकड़ा -24%, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक आंकड़ा है। और हम कब तक इससे अपना मुंह अलग करके खड़े रहेंगे? क्या इस मुद्दे को उठाया नहीं जाना चाहिए? जवाब आपके पास है। नमस्कार।